हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नामचीन ब्रांड जो क्लोथिंग में भी उनका हाथ है और परफ्यूम्स और डिओड्रेंट भी उन लोग सेल करते हैं। रिसेंटली उन्होंने कुछ नए नए परफ्यूम लॉन्च किए और उसका भी जो मैंने नोट्स जो भी है फ्रेग्रेंस के बारे में मैंने रिव्यू भी दिया। वो जो कंपनी है, जो ब्रांड है, उसका नाम है ज़ुडियो। जी हाँ, आप बराबर सुन रहे हैं। उसके एक परफ्यूम है मेरे पास, उसके बारे में हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो भी परफ्यूम या अत्तर का रिव्यू मैं करता हूँ, सबसे पहला मैं यूज़ करता हूँ और उसके बाद ही जाकर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो जो परफ्यूम है मेरे पास, ये हो गया मुझे एक साल के ऊपर लेकर, इतना सा यूज़ कर पाया क्योंकि बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, बट अच्छा खासा इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका है, तो वही मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये जो परफ्यूम है, इसका नाम है ज़ुडियो लॉस एंजेलिस। इसका जो बॉक्स आता है वो मेरे पास नहीं है क्योंकि बहुत सारे परफ्यूम्स हैं तो मुझे अकोमोडेट करने नहीं होता है, तो बॉक्स को उठा कर मैंने फेंक दिया, पर ऑनलाइन आपको बॉक्स देखने मिल जाएगा। इसका बॉटल कुछ ऐसा है, देखिएगा, ऐसा कुछ ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू कलर का है और ट्रांसपेरेंट सा दिखता है। देखिए ऐसा कुछ है, ज़ुडियो लॉस एंजेलिस EDP में है और यहाँ नीचे लिखा है मैन, EDP में आता है। ये 50 ml का बॉटल है, विच विल कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 400 rupees फॉर 50 ml। ठीक है, इसके जो नोट्स हैं मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद आपको मैं बताऊँगा लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसका ऑटोमाइजर ऐसा है, कैप का क्वालिटी इज समथिंग विच आई लाइक्ड इट। ओके, हैवी कैप है, जब आप बंद करते हो तो ये घिरता नहीं है, मतलब इसका लॉकिंग सिस्टम बहुत अच्छा दिया है, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट ज़ुडियो। 400 rupees में आपको 50 ml का बॉटल मिलता है, विच इज़ कंपैरेटिवली नॉट एक्सपेंसिव, नॉट इवन चीप, मिड रेंज में आता है क्योंकि बहुत सारे लोग 400-500 rupees में 100 ml दे देते हैं, बट नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द परफ्यूम ऑयल, परफ्यूम कैसा है उनका, उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्प्रे करते हैं, ओके, तो जो नोट्स है इसका, जब आप स्प्रे करते हो तो सबसे पहला नोट्स आपको मिलता है इस पर, ओपनिंग में ही हल्का सा स्वीट नोट्स है, स्वीट नोट के साथ आपको इस पे मिलता है, बहुत कम नोट्स है इसके अंदर, तो स्वीट नोट चालू होता है जैसे आप स्प्रे करते हो, स्वीट नोट के साथ आपको हल्का सा कैंडी, जो आप हम कैंडी खाते हैं, कैंडी के नोट्स आपको मिलता है, और कैंडी के नोट्स उसके बाद आपको हल्का सा एक सिट्रसी नोट मिलता है, लेमन का नोट मिलता है, बहुत हल्का सा ट्रेल करता है, और उसके साथ एक खट्टापन का नोट आपको इसमें मिलता है, और जो बेस नोट है, जो लास्ट नोट है, उस पर आपको हल्का सा वुडी नोट मिलता है। इसका ड्राई डाउन कैसा है? नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ द आंसर टू दैट इज, दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, जब आप लगाओगे तो ये बहुत टाइम तक आपके बॉडी में रहेगा। इसका ड्राई डाउन के बारे में पहला बात करते हैं, इसका ड्राई डाउन में आपको जो खट्टापन है, खट्टापन के साथ जो वुडी नोट है वो मिक्स हो जाता है और कैंडी का नोट मिक्स हो जाता है, बट जैसे हम स्प्रे करते हैं इसे, इसका ड्राई डाउन उतना ही फास्ट होता है। अब मैंने स्प्रे किया आपके सामने, हार्डली 3 मिनट हो चुका है वीडियो बनाकर, इसका ड्राई डाउन भी उतना फास्ट हो जाता है, मतलब मारा और वैसे इसका ड्राई डाउन होता है, इट डज नॉट प्ले अलोंग विद इट। इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका लॉन्जिटिविटी के बारे में बात करता हूँ, इसका लॉन्जिटिविटी हार्डली यू विल गेट इट फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स के ऊपर भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है लॉस एंजेलिस का, बट 2 घंटे तक ये लास्ट करता है, 2-2.5 घंटे उसके ऊपर तो मुझे ऐसा कुछ परफॉर्मेंस मिला नहीं है। प्रोजेक्शन कैसा है, जब आप स्प्रे करोगे उस वक्त आजू बाजू वाले को महसूस होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर ये बहुत करीब आ जाएगा इसका परफ्यूम का जो प्रोजेक्शन है, और आजू बाजू वाले को भी कुछ स्मेल नहीं आएगा आपके परफ्यूम का। तो ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, द क्वेश्चन टू दैट इज़, द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, ये आप नहीं लोगे तो ही बेहतर है। अगर आप कलेक्शन करते हो, there are many good perfume in ज़ुडियो, जैसे अर्बन आया है, उनका फ्रीडम आया है, यू कैन गो फॉर दैट, वो पैसा वसूल परफ्यूम है, बट लॉस एंजेलिस इज समथिंग दैट यू शुड अवॉइड इट, ये मत लीजिएगा क्योंकि इसके नोट्स भी ठीक ठाक है बट इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि वो टाइम तक रहेगा, ये बस लगाते हो ख़त्म हो जाता है, मतलब ड्राई डाउन अभी हो चुका है, ड्राई डाउन में कुछ हल्का सा खट्टापन और मुझे वुडी नोट्स, हल्का सा वुडी नोट्स के जो हल्के से अकॉर्ड्स है वो आते हैं, कैंडी के नोट्स आते हैं, हल्का सा फ्रेश नोट अभी मुझे मिल रहा है इस पर। ये मोस्टली मेरे ख्याल से गर्मी के सीजन के लिए उन्होंने बनाया था, बट
डोंट बाय इट फॉर समर सीजन, डोंट गो फॉर लॉस एंजलिस, गो फॉर सम अदर परफ्यूम फ्रॉम ज़ुडियो लाइक अर्बन ऑफ फ्रीडम, यू विल एन्जॉय दैट, और बहुत सारे परफ्यूम्स हैं उनके पास, यू कैन बाय इट एंड यू कैन एन्जॉय दैट. सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जेन्यून सा रिव्यू था, लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए. फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. गुड बाय एंड सी यू.